नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। हल्द्वानी में आज ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह 8:30 बजे लाइन नंबर 1 स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं कोरोना काल के बाद आज पूरे 2 साल बाद रोजेदारों ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा की। वहीं ईद की तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सुबह से ही शहर की सभी मस्जिदों और ईदगाह के आसपास वाले क्षेत्रों में पुलिस की व्यापक व्यवस्था बनी रही। ईद की नमाज को देखते हुए ईदगाह की तरफ आने वाले ट्रैफिक को भी रोका गया था। एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने बताया कि ईद के त्यौहार को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई थी। उन्होंने पुलिस विभाग की तरफ से सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट विजय सिंह ने भी ईद के मौके पर हल्द्वानी के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। 2 साल से कोविड की गाइडलाइंस थी, कई सारी दिक्कत थी, इस बार किस तरीके की रौनक है? जिस तरह बीच में 2 साल का गैप गुजरा और कोविड-19 की वजह से लोग ईदगाह नहीं आ सके, हुकूमती और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के पेश नज़र, तो लोगों में इस त्यौहार के मौके पर और आज की ईद के मौके पर ईदगाह में हाज़िरी के लिए और आज के इस त्यौहार को मनाने के लिए बड़ी पहले से बेचैनी पाई जा रही थी और बहुत खुशी का और मसर्रत का माहौल था। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का माहौल है। मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की खूब खूब मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम शहरवासियों में आपसी भाईचारा बना रहेगा और सब लोग मेल मोहब्बत के साथ, मेल जोल के साथ रहते हुए मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाए। ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था और सब ड्यूटी पॉइंट्स पर, सब जगह ड्यूटियां लगाई गई थी और ड्यूटियां अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर समय से पहुंच गई थी। सबके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। जो शहर के जितनी जगह पर नमाज पढ़ी जानी थी और सबसे अंतिम जो ईदगाह की नमाज थी, ये भी सकुशल सम्पन्न हो गई है और सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। थैंक यू मैम, ईद की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी क्षेत्रवासियों को भी बहुत सारी ईद की बधाई। मैम, किस तरीके की तैयारी थी प्रशासन की ईद को लेकर? देखिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सभी जो ड्यूटी पॉइंट पे जो ड्यूटियां लगाई गई थी, सभी लोग वहाँ मुस्तैद हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए जहाँ जहाँ जिसकी तैनाती गई थी, वो सभी अपने पॉइंट्स पे तैनात हैं और समस्त व्यवस्थाओं को पूर्व में ही सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए थे और शांतिपूर्वक अभी ईदगाह में नमाज़ पढ़ ली गई है। और इसके अलावा जो बाकी हमारी मस्जिदें हैं, उनमें भी नमाज अदा हो चुकी है। आज ईद के मौके पर ये थी जेजेएन की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।